नमस्कार, मेरा नाम सुनंदा दास है। मैं असम राज्य के सिलचर नगर से हूँ। मैं एक लोअर प्राइमरी टीचर हूँ और मेरे स्कूल का नाम है 556 नंबर घुंगुरपार एलपी स्कूल। महामारी के चलते देश में 5 महीने से स्कूल कॉलेजेस बंद है। लगभग 5 महीने से हम सभी ऑनलाइन क्लासेस करवा रहे हैं। बच्चे 5 महीने से घर पे ही है, वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ना ही वो अपने दोस्तों से मिल पा रहे हैं, जिसके कारण उनके दिमाग पर थोड़ा असर पड़ रहा है। वो लोग डिमोटिवेटेड हो रहे हैं, उनका पढ़ाई पर भी मन नहीं लग रहा। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा किया जाए कि सारे बच्चे एकदम से पहले की तरह एक्टिव हो जाए, वो खेलकूद भी करे, अपनी पढ़ाई भी ठीक से करे और साथ ही अपने हाइजीन का भी अच्छे से ध्यान रखे। तो जो आइडियाज मैंने सोचा है उसका टाइटल है एनकरेजमेंट फॉर लर्निंग एंड इंडोर गेमिंग ऑगमेंट कॉम्पिटिटिव एबिलिटी एंड हाइजीन प्रैक्टिस। तो इस टाइटल के अंदर मैंने 4 आइडियाज कवर किए हैं। वो 4 आइडियाज हैं। पहला है डिजिटल पार्टिसिपेशन, दूसरा है अट्रैक्टिव कलरफुल ई वर्कशीट्स, तीसरा है एजुकेशनल बोर्ड गेम और चौथा है रिसाइट एंड वॉश। ये 4 आइडियाज मैं अभी एक एक करके डिस्कस करूंगी। तो पहला है डिजिटल पार्टिसिपेशन। जब बच्चे स्कूल में होते थे तो क्या होता था, कभी कोई ओकेशन या फिर ऑब्जर्वेशन में हम लोग कुछ ना कुछ कॉम्पिटिशन्स करवाते थे, जैसे ड्राइंग कॉम्पिटिशन, डांस कॉम्पिटिशन। इससे क्या होता था, बच्चों को मोटिवेशन मिलता था और जो जो बच्चे पार्टिसिपेट करते थे उनको सर्टिफिकेट्स और पेन एंड पेंसिल बतौर इनाम दिया जाता था। लेकिन अभी लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद है और ये सब भी नहीं हो पा रहा, तो मैंने अपने स्कूल के हेड टीचर श्री सुभाष चंद्र चौहान जी से परमिशन लेकर हमारा जो स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप है, जहां पर हम लोग नोट्स देते हैं, बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं, वहां पर मैंने एक ऑनलाइन ड्राइंग कंपटीशन का अनाउंसमेंट किया और उनको बताया जो जो बच्चा पार्टिसिपेट करेगा उनको हम ई सर्टिफिकेट्स बतौर इनाम देंगे। इससे क्या हुआ, बच्चे बहुत खुश हो गए, उनको लगा उनको सर्टिफिकेट्स मिलेगा, तो सभी ने पार्टिसिपेट किया, वो बहुत एक्टिव भी हो गए, उनमें जोश आ गया। तो ये एक बहुत अच्छा मतलब आइडिया जो इम्प्लीमेंट हुआ, जिससे बच्चों में एक पॉजिटिविटी आ गई। वो लोग पहले बोर होते थे, अभी उनमें एक पॉजिटिव नेचर बिल्डअप हो गया। दूसरा आइडिया है अट्रैक्टिव कलरफुल ई वर्कशीट्स। ऑनलाइन क्लासेस में हम रोजाना बच्चों को मटेरियल्स प्रोवाइड करवाते हैं पढ़ने के लिए, जैसे कुछ क्वेश्चन आंसर लिख के हम फोटो भेज देते हैं या फिर वीडियो के माध्यम से हम कुछ उनको मतलब मटेरियल्स प्रोवाइड करवाते हैं पढ़ने के लिए। तो ये बहुत ट्रेडिशनल होता जा रहा था, बच्चे बोर हो रहे थे इससे, तो मैंने सोचा कुछ अलग किया जाए ताकि बच्चों का इंटरेस्ट फिर से ग्रो हो जाए। तो मैंने कुछ कलरफुल वर्कशीट खुद बनाए और उनके फोटो खींच के बच्चों को व्हाट्सएप में भेजना शुरू किया। बच्चों को कलर्स बहुत पसंद है, जब उन्होंने देखा वर्कशीट कलरफुल है तो उनका इंटरेस्ट ग्रो हो गया, वो उन कलर्स को देखकर वो प्रिपेयर करना शुरू किया, उन्होंने अपना भी अलग से कॉपी में और उनके फोटोज खींच के वो हमारे ग्रुप में भेजने लगे, दिखाने के लिए वो भी कलर्स कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा था, उनका स्कॉलास्टिक के साथ साथ को स्कॉलास्टिक एरिया भी कवर हो रहा था और बच्चों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा हो रहा था। तीसरा आइडिया है एजुकेशनल बोर्ड गेम। जैसा कि बच्चे सारे घर पर है और वो लोग बाहर नहीं जा सकते खेलने के लिए, तो घर बैठे बैठे वो लोग चिड़चिड़े हो रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों के लिए कुछ इंडोर गेम्स प्रिपेयर किया जाए, ताकि वो लोग उन गेम्स को घर पे खेले और बिजी भी रहे और वो चिड़चिड़े भी ना हो। तो मैंने 3 एजुकेशनल बोर्ड गेम्स तैयार किए हैं। यहाँ पर मैंने एक बोर्ड गेम तैयार किया है जो बंगाली वर्णमाला से संबंधित है। यहाँ पर लिखा हुआ है बंगाली में, लूडो खेलो वर्णमाला सीखो, मतलब इससे बच्चे वर्णमाला सीखेंगे बंगाली में। यहाँ पर देख सकते 1 से 10 तक मैंने स्क्वायर्स बना के रखे, तो यहाँ पर मैं डाइसेस लगाऊंगी। मैंने कागज से डाइस रेडी किया है, तो यहाँ पर पहला डाइस, उसके बाद दूसरा, तीसरा, इन सभी डाइसेस में मैंने बंगाली अल्फाबेट्स लिख दिए हैं। ये 6, ये 7, ये 8, 9, 10। अभी बच्चा कैसे खेलेगा, और चाहिए हमें गोटी, जितने बच्चे होंगे उतने गोटियां चाहिए। तो इसको बच्चे कैसे खेलेंगे, बच्चा पहला डाइस उठाएगा और इसको वो थ्रो करेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बंगाली में लिखा हुआ है ओ, मतलब उसका गोटी बैठेगा ओ पर, वो मुंह से प्रोनाउंस करेगा ओ और अपना गोटी को ऐसे बिठाएगा। तो ये गया उसका पहला डाइस, वो ऐसे इसे रख देगा।
उसके बाद वो दूसरा डाइस उठाएगा, इसको वो फिर से थ्रो करेगा, उसका आया संदूक को, वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा बोलते हुए आ रोशोई दीर्घोई रोशो दीर्घो रोशोली ए ओय ओ। इसी तरह से वो हर एक डाइस को लेकर थ्रो करेगा और ऐसे बोलता हुआ अपने गोटी को लेकर जाएगा और उससे यहाँ पर आके खत्म करना है चंद्र बिंदु पर। जितने बच्चे होंगे उतने गोटियां चाहिए और एक बच्चा एक टाइम पे एक ही गोटी को थ्रो करेगा। तो इससे क्या होगा, बच्चा बोल बोल के वर्णमाला उसे वो सीख पाएगा और उसे याद भी रहेगा। ये और एक बोर्ड गेम है जो मैंने बनाया है, तो इसमें खेल यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे खत्म होगा। इसके लिए हमें चाहिए लूडो डाइस और जितने बच्चे होंगे उतने गोटियां। तो मैं अपना गोटी यहाँ पर रख देती हूँ, तो अभी मैं डाइस थ्रो करूंगी। मेरा आया 3, तो मैं अपने गोटी को ऐसे 1 2 3 यहाँ पर लेके जाऊंगी। यहाँ पर जो क्वेश्चन है मुझे उसका आंसर देना पड़ेगा, जैसे 15+6 कितना होता है, 15+6 होता है 21। अगर मैं आंसर नहीं दे पाई तो मैं फिर से यहाँ चली जाऊंगी। तो बच्चों को हर जब भी उसका गोटी जिस भी नंबर पर जाएगा उसमें जो भी क्वेश्चन होगा बच्चों को उसका आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, फिर से डाइस थ्रो करती हूँ। मेरा आया 4, 1 2 3 4। तो इसमें क्वेश्चन है विच फ्लावर इज दिस, ये कौन सा फूल है, ये गुलाब फूल है, उसको बोलना पड़ेगा। फिर से थ्रो करती हूँ, मेरा आया 1। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हाउ ओल्ड आर यू, बच्चों को अपनी उम्र बतानी है यहाँ पर। यहाँ पर देखे और एक चीज, अगर मेरा डाइस थ्रो करने के बाद 2 आता है, 1 2, जब गोटी यहाँ पर चला जाएगा इसमें लिखा हुआ है गो बैक टू नंबर 6, मतलब बच्चों को अगर बच्चों का अगर गोटी यहाँ पर आता है तो उसे 6 पर जाना है। 6 कहाँ पर, यहाँ पर। अब 6 पे क्या लिखा हुआ है, गो बैक टू नंबर 1, बच्चों को फिर नंबर 1 पे जाना पड़ेगा। ये थोड़ा सांप सीढ़ी जैसा गेम मैंने बनाया है ताकि गेम भी लेंदी हो और बच्चों का रिविजन भी होता रहे। तो ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग है, बच्चों को बहुत पसंद भी आया है और वो लोग घर पे बिजी भी रहते हैं इसके साथ। ये और एक गेम है जो मैंने बनाया है, इसमें लिखा है लेट्स प्ले एंड लेट्स लर्न, मतलब खेल कूद में सीखना भी हो जाएगा इससे। तो इसमें मैंने देखिए 5 बेसिक चीजें कवर किया है। पहला है लेट्स प्ले एंड लर्न द ऑपोजिट वर्ड्स, बच्चों को ऑपोजिट वर्ड्स यहाँ से सीखने को मिलेगा। तो इस खेल को खेलने के लिए फिर से हमें चाहिए लूडो डाइस और गोटी। तो मैं अपना गोटी यहाँ पर रख देती हूँ। तो पहला क्या है, लेट्स प्ले एंड लर्न द ऑपोजिट वर्ड्स, ये मैं गोटी अभी थ्रो करूंगी। तो मेरा आया 3, मैं अपने गोटी को लेके यहाँ से जाऊंगी 1 2 3। यहाँ पर लिखा हुआ है इन, मुझे इनका ऑपोजिट वर्ड बताना है, तो इनका ऑपोजिट होगा आउट। अगर बच्चे को कंफ्यूजन हुआ तो वो ऐसे देख सकता है कि आंसर क्या है इसमें। तो यहाँ पर बैठ गया उसका गोटी, फिर से डाइस थ्रो करती हूँ, आंसर आया 2। तो क्या होगा, यहाँ पर चला जाएगा गोटी, यहाँ पर लिखा है टॉल, टॉल का ऑपोजिट होगा शॉर्ट, तो वो चेक कर सकता है आंसर करेक्ट है या नहीं। मैं अभी यहाँ पर चली जाती हूँ, लेट्स प्ले एंड काउंट द फिगर्स, यहाँ पर कुछ फिगर्स ड्रॉ किया हुआ है मैंने। उन जब भी बच्चे का गोटी उन फिगर्स पर बैठेगा, मतलब उस नंबर पे आएगा, तो जितने फिगर्स है काउंट करके बताना है। जैसे यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर होगा 7, वो चेक कर सकता है कि उसका आंसर करेक्ट है या नहीं यहाँ पर। उसके बाद मैं यहाँ पर और एक चीज दिखाती हूँ, अगर बच्चे का गोटी यहाँ पर 16 पे आता है, जैसे उसने आंसर दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 फिगर्स है, तो उसके बाद वो चेक जब करेगा तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है गो बैक टू नंबर 10, मतलब जब वो इस घर पे आएगा यहाँ से उसे नंबर 10 पे जाना है, तो 10 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो इससे क्या होगा, बच्चा फिर खेलेगा, फिर यहाँ से क्रॉस करता हुआ जाएगा, तो उसका रिविजन हो जाएगा और उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा और खेल थोड़ा लेंदी होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर रखा है लेट्स प्ले एंड से द कलर नेम, यहाँ पर कुछ कलर्स मैंने रखे हैं ड्रॉ करके, बच्चों को कलर्स के नाम बताने हैं जिस पर उसका गोटी बैठेगा। जैसे यहाँ पर बैठा तो ये कौन सा कलर है, ये ब्लू कलर है, बच्चा चेक कर सकता है यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर है लेट्स प्ले एंड एट द नंबर्स,
यहाँ पर जिस पर भी बच्चे का गोटी बैठेगा वहाँ वो जो नंबर्स है उसको प्लस करके बताना है कितना है होगा। तो 4+6 होगा 10, चेक कर सकता है बच्चा यहाँ पर। तो यहाँ पर बैठेगा अगर गोटी तो वो बोलेगा 1+3=4, वो चेक कर सकता है 4। यहाँ पर लिखा हुआ है गो बैक टू नंबर 29, यहाँ से वो सीधा 29 पे चला जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पर दिया है मैंने लेट्स प्ले एंड इंक्रीज योर वोकैबुलरी, बच्चे का वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए यहाँ पर कुछ मैंने शब्द रखे हैं बंगाली में। जैसे अगर गोटी यहाँ पर बैठा तो इसमें लिखा हुआ है पशु, मतलब बंगाली में पशु लिखा हुआ है, तो इसका इंग्लिश में मीनिंग होगा एनिमल। तो बच्चा चेक करेगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अगर बच्चा आंसर नहीं दे पाया तो वो अपने पहले वाले पोजिशन में चला जाएगा। तो इसके कारण बच्चे को ये पूरा बोर्ड सीखना पड़ेगा खेलने के लिए। तो इससे क्या होगा, उसकी पढ़ाई भी हो जाएगी और उसका खेल भी हो जाएगा साथ ही साथ। तो ये है वो 3 बोर्ड गेम्स जो मैंने बच्चों के लिए बनाए हैं, और इनके ट्यूटोरियल वीडियोस मैंने बच्चों के साथ शेयर भी किया है कि कैसे वो घर में बैठकर ये बना सकते हैं और घर में अपने भाई बहन के साथ खेल भी सकते हैं। चौथा आइडिया है रिसाइट एंड वॉश। अभी के टाइम पे हमें सबसे ज्यादा अपने हेल्थ एंड हाइजीन पर ध्यान देना पड़ता है, स्पेशली बच्चों का, क्योंकि बच्चे कॉन्शियस नहीं होते, वो किसी भी चीज को हाथ लगा लेते हैं। तो उसके कारण बच्चों को हर 20 से 30 मिनट पर हाथ धोना पड़ता है, और बच्चों का तो पता है वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। और जो हैंड वॉशिंग का ड्यूरेशन होता है 20 से 30 सेकंड, वो तो वो बिल्कुल मेंटेन नहीं करते, बस 5 सेकंड तक साबुन को रगड़ के हाथ धो लेते हैं। तो मैंने सोचा बच्चों को रिसाइटेशन बहुत पसंद है, तो मैंने बच्चों के लिए एक बंगाली में पोएम लिखा, स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग। हम लोगों का बंगाली मीडियम है तो मैंने बंगाली में लिखा, और वीडियो के माध्यम से उस पोएम को कैसे रिसाइट करना है और एक्शन कैसे दिखाना है वो मैंने बच्चों को सिखा दिया। और बच्चों को कहा कि जब भी वो हाथ धोए तो उस कविता को, मतलब पोएम को रिसाइट करे। तो इससे क्या होगा, जो 5 स्टेप्स होते हैं हाथ धोने के वो उनको याद रहेगा, अच्छे से वो फॉलो कर पाएंगे। और जो हाथ धोते टाइम जो टाइम मेंटेन करना पड़ता है 20 से 30 सेकंड, वो भी अच्छे से मेंटेन हो जाएगा। तो ये 4 इनोवेटिव आइडियाज हैं जिनको मैंने इम्प्लीमेंट किया है अपने स्कूल में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।